हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीठिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी ये आज की क्लास संख्या पत्ती के तीसरे टाइप के ऊपर बेस है, जिसके अंदर हम जीरो का निर्धारण करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने टाइप वन के अंदर इकाई अंक का निर्धारण करना सीखा था, उसके बाद शेषफल का निर्धारण कैसे किया जाता है, और आज हम सीखेंगे भी जीरो का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपनों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में एक क्वेश्चन किया था अपनों ने, 5 की पावर 201 + 12 / 24, और यहाँ पे मैंने इसको करवाया था भी इसका शेष फल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद अपने स्टार्ट करेंगे जीरो का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आपने 5 की ऐसी वैल्यू देखनी है जो 24 के क्या होनी चाहिए, नजदीक होनी चाहिए। इट मीन्स अपने इसको 25 बना सकते थे, क्या करके 5 की पावर 2। अब टोटल 201 होनी चाहिए, जबकि यहां पर कितनी है अपने पास, 2 है, यानी कि इसको अपने 200 तो बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 100 से। अब 5 की पावर टोटल 200 होगी और होनी चाहिए 5 की पावर 201, तो यानी कि 5 की 1 पावर बचेगी। कल की क्लास में क्या गलती की थी, यहां पर अपनों ने 2 लिख दिया था, आज उसको सही कर लेना। जिन्होंने भी कल की क्लास लगाई है उनको पता होगा ये यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1, क्योंकि टोटल 201 पावर होनी चाहिए, तो 2 × 100 प्लस में एक और पावर आ जाएगी, और प्लस में था 12, डिवाइड किससे करना था अपने को 24 से, और इसको क्या सकते हैं 5 की स्केयर यानी कि 25 पावर 100 × 5 + 12 / 24। अब जब 25 में 24 का भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 1, और 1 को 100 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 × 5 + 12 / 24, तो कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 + 12 यानी कि 17 / 24, और 17 में 24 का भाग नहीं जाता, इसलिए जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। कल की क्लास में हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर अपनों ने 2 की पावर 1 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे बेस क्या था अपना 5 था, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 बचेगा, इसको करेक्ट कर लेना जिन्होंने भी नोट किया। क्लियर है ये तीसरी चीज, अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अपने आज सीखेंगे कि जीरो का निर्धारण कैसे किया जाता है, इससे जो जितने भी बढ़ने वाले क्वेश्चन है वो अपने आज इसी क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखते हैं अभी जीरो का निर्धारण क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर। इसमें से अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखूं, 1 × 2 × 3 × 4, 1 से लेकर 10 तक लिख लिया अपनों ने, अगर यहां पे अपने को निकालना है जीरो की संख्या कितनी आएगी, इस सब को सॉल्व करने के बाद अपने को बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अगर अपने इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो देखो कैसे बनेगा, 1 तो लास्ट में ये वाला जीरो रहेगा जो 10 के साथ है, और जीरो कैसे बन सकता है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों को करेंगे बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों का करेंगे नहीं बनेगा। जब इन दोनों का करेंगे तो 1 जीरो यहां से बन जाएगा अपने पास, है ना, 1 जीरो यहां से बन जाएगा, फिर आगे करेंगे नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, तो टोटल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जीरो कितनी आएंगी, 1 तो यहां से आ गया और 1 यहां से आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो यहां पे अपने पास कितनी बन रही हैं, 2 बन रही हैं। क्लियर है ये चीज भी, जब 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई करेंगे अपने को यहां पे जीरो निकालनी है, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, अगर इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे भी इसका इसके साथ करेंगे जीरो नहीं बनेगा, यहां से यहां करेंगे नहीं बनेगा, इधर से यहां करेंगे तो नहीं बनेगा, 1 जीरो यहां बन जाएगा, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं बनेगा, 1 जीरो यहां पर है, तो टोटल जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कितनी जीरो आएंगे अपने पास, 2 जीरो आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ रही है यहां पे, 2 आ रही है। क्लियर ये चीज, तो अपने पास एक कंसेप्ट इसका ध्यान रखना है, भी कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है भी, जीरो किस प्रकार से बन सकती है, पहली कंडीशन या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दे रखो, तो 1 जीरो यहां से बन सकती है, या अगर आपके पास उस इक्वेशन में 5 और 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर ही 10 बनता है और इसी के अंदर 1 जीरो आती है। क्लियर ये चीज, तो कंसेप्ट क्या है कि अपने को जीरो ढूंढनी है, और जीरो कैसे बन सकती है, या तो डायरेक्ट ऐसे दे रखी हो, या 5 और 2 का पेयर बन रहा हो तो वहां 1 जीरो बनेगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे एग्जाम्पल में, 5 की स्केयर × 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 7 की पावर 2, ये क्वेश्चन है, यहां पे अपने को जीरो की संख्या निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अपने को देखना क्या है भी जहां पे पेर या तो डायरेक्ट जीरो दे रखी हो वो लेना है या क्या देखना है अपने को पांच और दो के पेर देखने, जितने पांच और दो के पेर बनेंगे उतनी ही क्या बनेगी क्वेश्चन में जीरो बनेगी। अब यहां पे देखो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनेगा। अब यहां पर भी देखो पांच कितनी बार है, दो बार है, और यहां दो कितनी बार है, चार बार है। अब ऐसे तो ये चार बार है तो चार जीरो बन जाएगा, नहीं। पेयर के लिए तो संख्या दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक बार तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो यहां से आ जाएगी, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो यहां से आ जाएगी। अब ये दोनों किसी काम के नहीं है क्योंकि इन दोनों से जीरो बनाने के लिए अपने को दो पांच और चाहिए, क्लियर ये चीज। यानी कि पांच और दो के पेयर बनाने हैं तो इस इक्वेशन में पांच और दो के कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे अपने पास, दो पेयर बनेंगे। यानी कि जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी अपने पास, दो आएंगी। क्लियर है ऐसा कंसेप्ट। और देखना अपने को यहाँ पे पेयर बनाने, अपने को पेयर से ही जीरो निकलेंगी, यहाँ पे जितने पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो बनेंगी। अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा पांच की पावर पांच इंटू दो की पावर दस इंटू तीन की पावर ग्यारह इंटू पच्चीस इंटू नौ की पावर चार, यहां पे अपने को जीरो की संख्या निकालनी है, यहां पर अपने को जीरो की संख्या निकालनी है। तो जब भी ये बनेगा अपने को क्या देखना है, पेयर देखना है, पेयर भी किसका देखना है, पांच का। अब देखो इस पूरी सी इक्वेशन के अंदर पांच कितनी बार आया है, यहां पे पांच कितनी बार आया है, पांच बार, और दो पांच यहां से आ जाएंगे। तो टोटल पांच की जो संख्या है, पांच की संख्या कितनी आई है अपने पास, सात आई है। अगर मैं दो की देखूं, दो कितनी बार आया है, दस बार आया है। दो की संख्या कितनी आई है, दस बार आई है। अगर इन पांच और दो का अपने पेयर बनाएंगे तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे, देखो दो जोड़े बनाने के लिए दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। अपने पास पांच तो सात है जबकि दो कितनी बार है, दस बार है। अगर मैं इन दोनों के पेयर बनाऊंगा तो पेयर कितने बनेंगे अपने पास, सात ही बनेंगे क्योंकि अपने पास पांच ही सात है तो पांच को अपने सात बार ही यूज कर सकते हैं, इसे ज्यादा बार तो नहीं कर सकते। तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। अगर सात पेयर बनेंगे तो जीरो की संख्या भी कितनी बनेगी, सात बनेगी। क्लियर है इस चीज। तो यहां से एक चीज अपने को सीखने को मिल गई, क्या, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। अब यहां पे देखो संख्या किसकी कम है, पांच की। जितनी संख्या कम होगी उतने ही क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। पांच और दो में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। यहां पे पांच सात बार था, दो दस बार था। अगर पेयर बनाने जाएंगे तो पेयर कितने बनेंगे, सात बनेंगे, और सात पेयर बनेंगे तो मतलब जीरो की संख्या भी कितनी आएगी अपने पास, सात आएगी। क्लियर है ये चीज। अभी बेसिक सीख रहे हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे अपने इसी क्लास के अंदर आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक इंटू मैंने लिख दिया 20 तक, अपने को यहां पे जीरो की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालना है। अब करेंगे सर जीरो कैसे निकालेंगे, यहां पे श्री जैसे ही आएगी एग्जाम के अंदर, मैंने इसको ओपन करके लिख लिया, फिर इसको अपने शॉर्ट के अंदर भी करेंगे 10, उसके बाद 11, 12, 17, 18, 19, 20। अब यहां पे देखो जब भी अपने को जीरो निकालना है दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए, या तो जीरो डायरेक्ट दे रखी हो या अपने को क्या बनाना है, पांच और दो का पेयर बनाना है, क्योंकि जीरो बनाने के सिर्फ दो ही ये तरीके हैं, और जीरो बना नहीं सकते अपने। पहले देखो डायरेक्ट जीरो दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो दो जीरो तो यहां से आ गए, दो जीरो तो यहां से आ गए। अब देखो पांच और दो का पेयर, एक पांच ये मिल गया, एक दो ये मिल गया, तो एक जीरो तो यहां से बन जाएगी। और पांच ढूंढो है क्या, हाँ बिल्कुल है सर, सर इसके अंदर एक पांच बड़ा है तो एक पांच यहां से आ जाएगा। दो तो बहुत बड़े अपने पास, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो पड़ा 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 है, मतलब अपने पास पांच के पांच कितने, दो बार है, दो तो बहुत मिल जाएंगे अपने को, मतलब वही जिसकी संख्या कम है वही अपने को जीरो देंगे। अब यहां पे पांच कितनी बार है, दो बार है, यानी कि दो जीरो और मिलेंगी, तो दो डायरेक्ट पड़ी थी दो और मिल गई, तो यहां से जो डायरेक्ट जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी अपनी, चार आएंगी। क्लियर है ये चीज। अब अपने को इतना सारा ये सब कुछ
नहीं करना है। जब भी अपने पास सीरीज आएगी, एक चीज में सीखने वाली है, जब भी अपने पांच और दो को ढूंढने जाएंगे ना, जब भी अपने पांच और दो को ढूंढने जाएंगे, अपने को सीरीज में जो दो की संख्या है ना, ये हमेशा ज्यादा होगी। दो की संख्या हमेशा क्या होगी? ज्यादा ही होगी। जबकि पांच की क्या होगी? कम होगी। पांच की संख्या क्या होगी? कम होगी। क्यों? देखो सीरीज देखो, एक दो तीन चार पांच, मैं जैसे सीरीज चला रहा हूं ना, एक दो यहां है, फिर दो यहां आ जाएगा, फिर दो यहां आ जाएगा। जैसे सीरीज देखो, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो यहां पर भी, दो यहां पर भी, दो यहां पर भी, दो यहां पर भी। यानी कि हर एक संख्या को छोड़ने के बाद दो का मल्टीपल मिलता है अपने को। हर एक संख्या छोड़ने के बाद अपने को क्या मिलता है? दो का मल्टीपल मिलता है। जबकि चार संख्याओं के बाद, चार संख्याओं के बाद एक पांच आता है। चार संख्याओं के बाद क्या आता है? एक पांच आता है। फिर क्या, एक पांच यहां आया, फिर चार संख्याओं को छोड़ के बाद इसके अंदर एक पांच आएगा, फिर चार संख्याओं को छोड़ने के बाद एक पांच आएगा। मतलब अपने को तो सिर्फ पांच और दो ही ढूंढने, इनका पेयर बनाना है। अब पेयर में भी क्या, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। तो अब एक चीज सीखने को मिलगी, सीरीज में पांच की संख्या हमेशा क्या होगी? कम होगी। सीरीज में पांच की संख्या क्या होगी? हमेशा कम होगी। क्यों? दो तो हर एक संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, जबकि पांच चार संख्याओं के बाद एक रिपीट हो रहा है। यानी कि एक बड़ी सीरीज के अंदर दो और पांच को अगर ढूंढने बैठेंगे तो पांच की संख्या कम होगी और दो की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब अपने को सीखना क्या है? सिर्फ अपने को पांच की संख्या ही निकालनी है। मतलब अगर अपने पांच की संख्या निकाल ली तो अपने जीरो भी निकालें, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। तो ये कंसेप्ट अपने को सीखना था। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, भी डायरेक्ट अप्लाई करके अपने जीरो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अभी अपनों ने लिया एक से लेकर बीस तक की सीरीज है, इसमें अपने को जीरो की संख्या निकालनी है। तो जीरो की संख्या निकालनी है तो पांच और दो का पेयर। अब पांच और दो का पेयर कैसे निकालेंगे? मैंने निकालना ही नहीं है, मैंने सिर्फ पांच निकाला है, क्योंकि एक बड़ी सीरीज के अंदर पांच और दो को ढूंढने जाएंगे तो पांच की संख्या कम मिलेगी। तो अपने पांच निकाल लेते हैं, जितने पांच बनेंगे उतनी ही क्या बनेगी? जीरो बनेगी। अब पांच भी कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना, जो भी लास्ट वाली संख्या होगी, जो भी लास्ट वाली संख्या होगी उसमें पांच का भाग देते जाओ। लास्ट वाली संख्या कितनी है? बीस है। इसमें अगर मैं पांच का मल्टीपल देखूं, पांच चौके बीस, क्या चार में दोबारा पांच का जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपकी इसमें जीरो की संख्या कितनी बनेगी? चार बनेगी। डायरेक्ट आपका आंसर है। एक से लेके जब कोई भी सीरीज दी जाएगी उसमें अगर अपने को जीरो की संख्या निकालनी है तो जीरो की संख्या निकालने के लिए अपने पांच की संख्या चेक करेंगे, उसके अंदर पांच का मल्टीपल। पांच की संख्या का मतलब हो गया अभी पांच के कितने मल्टीपल है, पांच के कितने मल्टीपल है, यही अपनों ने चेक किया था। मैंने अभी बताया था एक से लेकर अभी अपनों ने देखा था पांच के मल्टीपल ही तो चेक करने थे अपने को। तो यहां पर देखो, अगर अपने इसको ओपन करके भी लिखते हैं तो पांच देखो, एक पांच ये रहा, एक पांच इसमें दो, एक पांच इसमें तीन, एक पांच इसमें, इसको लिखा ना पांच इंटू चार, पांच इंटू दो, तो टोटल पांच कितने आए अपने पास? एक दो तीन चार। मतलब चार पांच थे तो जीरो भी कितनी बनेगी आपकी? चार बनेगी। क्लियर ये चीज? इसलिए अपने इसको डायरेक्ट शॉर्ट के अंदर करते हैं, इतना मेथड अपने अप्लाई नहीं करेंगे कि भी अपने पूरी सीरीज को ओपन करके लिखे। क्लियर ये चीज? अब चाहे आपको जितनी मर्जी बड़ी सीरीज दी जाए, जितनी मर्जी बड़ी सीरीज, अगर मैं यहां पर लिखूं एक से लेकर सौ तक है, क्वेश्चन दे दिया एक से लेकर सौ तक है, इसमें अपने को जीरो की संख्या निकालनी, इसमें अपने को जीरो की संख्या निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या में किसका भाग देना है? पांच का। सौ में पांच का देंगे तो कितना आ गया? बीस, यानी कि बीस मल्टीपल। अब बीस में देखो पांच के कितने मल्टीपल हैं? पांचों के बीस। क्या चार में अब दोबारा पांच का जाएगा? नहीं। तो टोटल कितने हो गए? बीस और चार चौबीस, ये आपका आंसर आएगा। तो जीरो जैसे भी निकालनी है, कोई भी सीरीज दी जाए, लास्ट वाली संख्या लेनी है, उसमें पांच का भाग देना है, तब तक देना है जब तक उसमें भाग जा रहा हो। जैसे पहले 20 तक गया, फिर 20 में पांच का देंगे तो चार बार जाएगा। अब चार में पांच का नहीं जाता है तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 और चार 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 24 आ जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक से लेकर 500, एक से लेकर 500, यहां पर अपने को बताना है जो जीरो की संख्या है वो कितनी आएगी। कुछ नहीं करना,
लास्ट वाली संख्या किससे भाग देना है, पांच से, 100 × 5 = 500, 100 में फिर जा रहा है कितना आ रहा है 20, और 20 में फिर जा रहा है 5 × 20, क्या 4 में दोबारा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो टोटल कितनी आ रही है 100, 20 और 4 = 24, यानी कि जो जीरो की संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी 124। क्लियर ये चीज, आपने जीरो का निर्धारण कैसे करना है, बेसिक है ये, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, छोटा सा चैप्टर है बट अपने सारे कंसेप्ट करेंगे इसके। अब जरूरी नहीं है भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाए, आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल ऐसे दिया जाएगा, 200 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या का निर्धारण करो। अब नहीं सर, 200 फैक्टोरियल, अब ये कहां से आ गया, आपने तो सीरीज बताया था, अभी मैंने अभी बताया है, अपनों ने पिछली क्लास में सीखा था फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था, 200, 199 इसको उल्टा करते हैं और ये कहां तक जाता है, 3 × 2 × 1 तक, मैं इसको सीधा करके नहीं ले सकता, 1 × 2 × 3, मतलब ये सीरीज कहां तक होगी, 200 तक ही होगी, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 200 फैक्टोरियल लिखा सकता है या 1 से लेकर 200 लिखा सकता है, दोनों के क्वेश्चन का सेम ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने फैक्टोरियल निकालना आपको बताया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 1 कम होता जाता है, और कहां तक निकालते हैं अपने, लास्ट में 1 तक, तो इसी को मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं। अब यहां पे 0 निकालनी है तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 200 है, तो 200 में 5 का देंगे तो 5 × 20 यानी कि 40, अब 40 में 5 का फिर देंगे तो 8, 8 में 5 का फिर जा रहा है 5 × 5, तो टोटल कितनी आ जाएगी यहां से 49। तो 200 फैक्टोरियल में अगर 0 का निर्धारण करेंगे तो कितनी 0 बनेगी इसके अंदर, 49। क्लियर है ये चीज, और देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा, सिंपल सा लेके चलते हैं, 10 + 100 + 1000, देखना मैं अभी सिंपल सा लेके चल रहा हूं, यहां अपने को 0 का निर्धारण करना है, अगर अपने इनको जोड़ते हैं, जोड़ के देखो क्या बनता है, 1000, 1100, 1110, जब इसको सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में कितनी 0 बन रही है, 1 बन रही है। क्लियर ही है चीज, एक और देखते हैं, 10, 100, 1000 + 1,00,000, इसमें अपने को अगर 0 निकालनी है, इसमें अगर अपने को 0 निकालनी है, 0 का निर्धारण करना है, तो क्या बनेगा, 1,10,000 हो गया, प्लस में कितना है, सर 1000 है और प्लस में कितना है 100 है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 0, 0, 1, 1, 1, 1, तो 1,11,100, 1,11,100, तो मतलब इसमें जो आपकी 0 आएंगी वो 0 कितनी आएंगी आपकी, 2 आएंगी। तो यहां पे एक चीज सीखने को मिल रही है, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको 0 निकालनी है तो 0 क्या होगा, जो भी आपकी मिनिमम संख्या होगी वही आपकी क्या बनेगी, 0 बनेगी। देखो 10, 100, 1000, तो 10 यानी कि 1 ही 0 बन रही है, यहां पर देखो 100, 1000, 10,000, 1,00,000, लास्ट में कितनी 0 बनी, 2, मतलब जो आपकी कम है मिनिमम संख्या है उतनी ही क्या बनेगी आपकी, 0 बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, सीरीज के अंदर आएगा आपका 10, 100, 1000, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा भी 0 की संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसी सीरीज आएगी जिसकी संख्या कम है उतनी ही 0 बनेगी, कौन सी कम है, 10 है, तो मतलब 1 ही 0 है इसके अंदर, तो आपका आंसर कितना बनेगा, यहां से 1 बनेगा। क्लियर है ये चीज, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। अगर मैं यहां पे लिखूं 5 × 2 = 71, इसमें 0 की संख्या निकालनी, इसमें 0 की संख्या निकालनी है,
क्या करेंगे, पांच और दो की बात कर रहे हैं, पेयर ढूंढते हैं पांच और दो के, और पांच और दो का पेयर ढूंढते हैं तो जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी। अब वो पांच कितनी बार है, 49 बार है, दो कितनी बार है सर, 71 बार है। अब जोड़े बनाने के लिए तो दोनों की संख्या सेम चाहिए, कम किसकी है, पांच की, कितनी है 49 है, तो मतलब यहाँ पे जो जीरो भी बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी 49 बनेगी। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं क्वेश्चन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 100 फैक्टोरियल इंटू में 200 फैक्टोरियल, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, 100 फैक्टोरियल प्लस में 200 फैक्टोरियल। ये दो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, दोनों के अंदर बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, और एक दे रखा है 100 फैक्टोरियल प्लस में 200 फैक्टोरियल। दोनों के अंदर अपने को बताना है अभी जीरो की संख्या क्या है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं 100 फैक्टोरियल इंटू में 200 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि 100 को ओपन करेंगे तो अपने 1 से लेकर 100 तक का निकाल लेते हैं, क्या होएगा, 20 में 5 का फिर जा रहा है, यानी कि 5 और 20, तो 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आती हैं सर, 24 जीरो तो यहां आ जाएंगी। और 200 फैक्टोरियल की बात करें तो 200 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है सर, 5 और 20 यानी कि 40 आ जाएगा, उसके बाद 5 8 40 आ जाएगा, फिर 5 8 में 5 का देंगे तो 5 एकम 5, तो यहां से कितनी आ रही है अपने पास, 0 49, यानी कि 24 जीरो इधर से हैं, 49 इधर से हैं, तो टोटल जो आंसर के अंदर आपकी जीरो बनेगी वो कितनी बनेगी, 73। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 73 आएगा। क्लियर होगी चीज, 24 जीरो तो इनके मल्टीपल से मिलेंगी और 200 के फैक्टोरियल से कितनी जीरो मिलेंगी अपने को, 49। तो जब टोटल जीरो को काउंट करेंगे तो टोटल जीरो यहां से कितनी बनेगी आपकी, 73 बनेगी। क्लियर है ये चीज। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया, यहां से जो आपकी जीरो बनेगी अभी निकाला कितनी है, 24, और इधर से निकालेंगे तो कितनी बन रही है आपकी, 49 प्लस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया, इधर से जो भी संख्या आएगी उसको एडअप करेंगे, इधर से जो भी संख्या आएगी उसको एडअप करेंगे, आंसर कौन सा होएगा, जिसकी संख्या क्या होएगी, कम होएगी, आंसर क्या होएगा, जिसकी संख्या कम होएगी। अब कम कौन सा है अपने पास, 100 फैक्टोरियल में कितनी आती हैं, 0 आती हैं, तो आपका आंसर यहां पे कितना बनेगा, 24 है। दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर अपने यही गलती करते हैं, मल्टीप्लाई वाले में तो एडिशन होती है, और जब भी एडिशन वाला होता है तब आपका आंसर क्या होगा, जिसकी संख्या कम होगी, तो यहाँ पे 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल कम है, 100 फैक्टोरियल में कितनी आती हैं, 24 है, तो आपके आंसर में कितनी जीरो बनेगी, 24 जीरो बनेगी। क्लियर है ये चीज, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, मैंने यहां पे लिखा 2 4 6 8 200, ये क्वेश्चन बन गया भी, यहां पे अपने को बताना है कि टोटल कितनी जीरो बनेगी। अब पहले ना अपने इसकी सीरीज में देखो, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 कॉमन आएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 2 यहां पे देखो, इसके अंदर गैप भी है, एक गैप 2 का यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 2 यहां से कितनी बार बाहर आएगा, 100 बार आएगा, क्योंकि संख्या कितनी बनेगी यहां पे, अगर इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो 3 बचेगा, सेम इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, 100, यानी कि ये सीरीज कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 100 बार मल्टीप्लाई में है, तो मतलब अपनों ने 2 कितनी बार कॉमन लिया है, 100 बार कॉमन लिया है। क्लियर आ गई ये चीज, यहां से जो सीरीज बन रही है वो कितनी बन रही है, 1 2 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये 100 बार है, टोटल कितने अंक है यहां पर, 100 है, तो मतलब इधर से भी 2 कॉमन लिया, इधर से भी लिया, इधर से भी लिया, इधर से भी लिया, तो अपनों ने 2 को जो कॉमन लिया है वो कितनी बार लिया है, 100 बार लिया है। क्लियर है ये चीज, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कितना, 2 की पावर 100 लिखा, और ये इसके मल्टीप्लाई में। अब अपने को यहां पे जीरो का निर्धारण करना है, यहां पे कितनी जीरो बनेगी। अब देखो मेरे पास तो सिंपल सा फंडा आ गया, अभी 2 की जो संख्या है वो मेरे पास 100 बार है, जीरो बनाने के लिए एक ही कंसेप्ट है, 5 की संख्या निकालनी है, 1 तो 2 इधर पड़े हैं, अब 1 से 100 तक ये हैं, तो मैं इस समय 5 चेक करूंगा, क्योंकि इसमें तो चेक करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही है, और वो 2 कितनी बार है अपने पास, 100 बार है, इसके अंदर 5 चेक कर सकते हैं, 5 को अगर चेक करेंगे तो 1 से 100 बार लास्ट कितना है अपने पास, 100, 100 में जब अपने 5 को चेक करेंगे 20 यहां से आ जाएगा, और इसमें जब चेक करेंगे 5 होके 20, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास,
24 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पूरी सीरीज में देखूं, पांच मेरे पास कितनी बार आया है, 24 बार आया है, और दो कितनी बार है, 100 बार है। पेयर बन गया 5 और 2 का, आंसर क्या आएगा, जिसकी संख्या कम होगी। तो 5 कितनी बार है, 24 बार है। तो यानी कि इस सीरीज में जो आपकी जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। जीरो की संख्या कितनी आएगी यहां पे, 24 आएगी। क्लियर है ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ अपने को पेयर ही बनाना है। और देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। मैंने लिखा यहां पर 5, 10, 15, 20, यानी कि 500। अब देखो इस सीरीज में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 5 आ रहा है। अगर मैं 5 मान लो कॉमन ले लिया, अब देखेंगे कितनी बार कॉमन आता है। यहां से 5 कॉमन आएगा तो 1, यहां से आएगा तो 2, फिर 5 दिए 15, फिर 5 चौके 20 इंटू में 100। अब 1 से लेके 100 तक की ये क्या आ गई, गिनती आ गई। अब 1 से लेके 100 तक, यानी कि 5 इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो 500 है। तो 5 को कितनी बार कॉमन लिया अपनों ने, सर 100 बार कॉमन लिया है। अब मेरे पास जीरो निकालनी है, जीरो निकालने के लिए एक ही दिमाग में आता है, सर 5 और 2 का पेयर ले लें, 5 और 2 का, और इसमें से जिसकी संख्या कम होगी वही आपकी आंसर बनती थी। अब देखो 5 मेरे पास कितनी बार है, 100 बार है। अब 2 की संख्या सिंपल बात है 1 से लेके 100 तक है, 5 मेरे पास 100 बार है। क्या मेरे को 5 की संख्या निकालने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि मेरे पास 5 पहले से ही 100 बार बड़ा है। क्यों ना मैं 2 को चेक कर लूं, क्या 200 से कम है कि 200 से ज्यादा है, जिसकी ज्यादा बनेगी वही आपका आंसर बन जाएगा। अब यहां पे अगर मैं 2 चेक करूं, लास्ट संख्या कितनी है, 100। अब अपने को 2 चेक करना है तो आपको भाग भी किससे देना पड़ेगा, 2 से। अगर 5 चेक करते तो 5 से भाग देते, 2 चेक करते तो 2 से देते। अब 5 का भाग दो कितना आ जाएगा, यहां से 50 आ जाएगा। फिर 50 का अगर यहां से देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 में अगर दोबारा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दो में 24। फिर 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा। फिर 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। फिर 3 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आएगा, 100 में 2 का देंगे तो 50 बार जाएगा, 50 में 2 का देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 में 2 का देंगे तो 12 दो में 24 12 बार जाएगा, 12 में 2 का देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 में 2 का देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में 2 का देंगे तो 1 ही बार जाएगा। अब टोटल काउंट करो कितने बन गए, 50 और 25 75, 75 और 12 कितने हो गए, 87, 87 और 6 कितने हो गए, 93, 93 और 3 कितने हो गए, 96 और 97। मतलब इस सीरीज के अंदर जो मेरा 2 आया है वो 2 कितनी बार आया है, 97 बार आया है, जबकि मेरे पास 5 कितनी बार पड़ा है, सर 100 बार पड़ा है। अब मेरे को 5 और निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें 5 और आएंगे, बट अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास 2 ही कितनी बार है, 97 बार है। अब अपने को पेयर बनाने हैं, पेयर 5 और 2 का बन रहा है, संख्या जिसकी कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। अब यहां पे संख्या किसकी कम है, 2 की, कितनी है, 97। तो मतलब यहां पे जो जीरो की संख्या आएगी, यहां पे जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 97 आएगी। क्लियर है ये कंसेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना, जरूरी नहीं है हमेशा अपने को 5 का ही निकालना है। जिसकी संख्या ऑलरेडी ज्यादा पड़ी हो ना उसको नहीं निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 200 बार था तो वहां मैंने 2 नहीं निकालना, क्योंकि 2 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था तो मैंने 5 को निकाल लिया। अब यहां पे मेरे पास 5 कॉमन आ रहा था, मतलब 500 बार पड़ा था, 500 बार पड़ा था, तो मेरे को 5 के निकालने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये कर दिया। क्लियर है ये चीज, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जीरो के निर्धारण के, अपनों ने किए। अब मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने बताना है भी जीरो की संख्या क्या, इस क्वेश्चन में बताना है भी आपने जीरो की संख्या क्या आएगी। और ये जो आपके कंसेप्ट था संख्या पद्धति का, जिसके अंदर अपनों ने इकाई अंक भी किया, शेषफल भी किया, और आज जीरो का निर्धारण भी किया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फैक्टोरियल से, पावर वाले, कॉमन वाले, डायरेक्ट सीरीज वाले, वो अपनों ने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। और होप आपको ये हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा। और कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो कल होगा हमारा, कल से एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पहले इसका बेसिक सीखेंगे, फिर इसके एडिशनल फैक्ट के साथ इस चैप्टर को अपने कंप्लीट करेंगे। और जिन भी दोस्तों ने
संख्या पद्धति का इकाई अंक और शेष फल का पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को जरूर देखें और उसको वॉच करें, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने एचसीएम और एलसीएम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।